हेलो बच्चों, मैं सोनू जागीर नव भारती परिवार में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण में टॉपिक पढ़ेंगे वचन। वचन और उसके भेद जानेंगे और वचन परिवर्तन के नियमों के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वचन, उसकी परिभाषा, उदाहरण और भेद के बारे में जानेंगे। तो इस फोटो में, इस चित्र में क्या लिखा हुआ है? लड़का खेल रहा है। लड़का क्या कर रहा है इस चित्र में? खेल रहा है। और दूसरी फोटो में लड़के खेल रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है। यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उपर्युक्त चित्रों में आपने क्या देखा कि लड़का, बच्चा, घोड़ा संख्या में एक होने का बोध करा रहे हैं, और लड़के, बच्चे, घोड़े संख्या में एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। अतः एक और अनेक शब्दों में अंतर बताने वाले शब्द को हम वचन कहते हैं। अब इसकी परिभाषा हम देखते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। ये तो हुई हमारी वचन की परिभाषा। अब हम वचन के भेद के बारे में जानेंगे। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन की परिभाषा होगी, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे आँख, रात, सेना, बेटा, मटका, पंखा आदि। ये सब क्या है? इनको देखने से ऐसे लग रहा है एक होने का बोध हो रहा है, तो ये सब क्या है? एक वचन है। अब है बहुवचन। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे आंखें, रातें, सेनाएं, बेटे, मटके, पंखे आदि। यहाँ इसमें, इन उदाहरणों में एक से अधिक होने का पता चल रहा है, यानी कि बहुत सारे, एक से ज़्यादा है, तो ये बहुवचन है। अब वचन के विषय में कुछ हम विशेष बातों के बारे में जानेंगे। जैसे कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सोना, वीरता, प्यास, हवा आदि। ये सब क्या है? हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयोग होते हैं, इनके कोई बहुवचन नहीं होते हैं। कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, दर्शन, होश, प्राण। ये सब क्या है? बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं, इनका एक वचन नहीं होता है। आदरणीय लोगों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे मेरे दादाजी दिल्ली गए हैं, शिवाजी वीर थे। अब ये क्या है? हमसे बड़े हैं, हम इन्हें आदर देने के लिए बोलते हैं दिल्ली गए हैं। अब इस तरह से तो नहीं बोलते ना कि एक वचन है कि दिल्ली गया है, इस तरीके से हम नहीं बोलेंगे। आदरणीय लोगों को हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे मेरे दादाजी दिल्ली गए हैं, इस तरह से बोलेंगे, क्योंकि हम उन्हें रेस्पेक्ट दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं। शिवाजी वीर थे, तो ये रेस्पेक्ट दे रहे हैं, इसलिए ये बहुवचन में आते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अनेक होने पर भी एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पानी। पानी बहुत सारा ले लो, चाहे कितना भी ले लो, लेकिन वो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होगा। जनता, जनता में बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी जनता है, बहुत सारे लोग होते हैं जनता में, तो ये भी जनता, जनते तो नहीं बोल सकते, तो ये एक वचन में ही प्रयोग होगा, यानी जनता। सेना, सेना भी बहुत सारी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं सेना में, फौजी होते हैं, तो ये सेना, सेनाओं, इस तरीके से नहीं बोल सकते, तो ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है, यानी सेना। तो ये जो शब्द हैं वो एक वचन के उदाहरण हैं, ये हमेशा एक वचन में होते हैं। वचन बदलने से संज्ञा के साथ क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे लड़का क्रिकेट खेलता है, अब लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो जो क्रिया हो रही है, क्रिया का रूप इसमें बदल जाता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक वचन और बहुवचन में एक जैसे रहते हैं, जैसे पेड़ कट गया, तो पेड़ क्या है? एक वचन। अब पेड़ कट गए, अब यहाँ पे जो पेड़ है वो तो एक वचन है, लेकिन कट गए, तो कट गए यानी बहुत सारे पेड़ कट गए, तो ये बहुवचन है। आदमी जा रहा है, तो
तो आदमी है एक वचन, जा रहा है यानी एक वचन में है ये। अब आदमी जा रहे हैं यानी कि आदमी बहुत सारे हैं, तो ये जा रहे हैं तो ये बहुवचन है, तो यहाँ पर एक वचन और बहुवचन एक जैसे रहते हैं। अब जैसे वचन के उदाहरण देखेंगे हम, झंडा, तो झंडा का बहुवचन होगा झंडे, घड़ी घड़ियाँ, झूला झूले, तोता तोते, पत्ता पत्ते, टहनी टहनियाँ, लड़का लड़के, पुस्तक पुस्तके, मैं हम वह वे। तो यहाँ पे जो, अब यहाँ पे देखिए वह यानी कि एक है, अब बहुत सारे होंगे तो वे, रात रातें, तारा तारे, कौआ कोए, चादर चादरें, तलवार तलवारें, वस्तु वस्तुएं। तो ये थे बच्चों हमारे एकवचन और बहुवचन। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका एकवचन और बहुवचन रूप समान होता है, उनके वचन की पहचान किस क्रिया से होती है, यानी कि एकवचन और बहुवचन तो समान होंगे लेकिन हम उसे कैसे पहचानेंगे, क्रिया के द्वारा, यानी वो क्या कर रहे हैं उसके द्वारा हम पहचानेंगे। जैसे फूल खिल गए, यहाँ पे एक वचन तो क्या है, फूल खिल गया। अब यहाँ पे फूल एक वचन है, खिल गया यानी एक वचन। अब बहुत सारे फूल होंगे तो क्या लिखेंगे, फूल खिल गए, यानी फूल जो है वो दोनों में सेम है लेकिन क्रिया क्या है, खिल गया और खिल गए। तो यहाँ पे जो क्रिया है उससे हम पहचानेंगे कि एक वचन खिल गया और बहुवचन खिल गए। घर सुंदर है, तो यहाँ पे घर है एक एक वचन, सुंदर है एक वचन में। अब घर सुंदर थे यानी कि बहुत सारे घर थे जो कि सुंदर थे, तो ये हो गया बहुवचन में। तो इनकी क्रिया से हम इनको पहचान सकते हैं कि ये एक वचन में है या बहुवचन में। अब हम वचन परिवर्तन के नियमों के बारे में हम जानेंगे कि किस तरह से हम वचन परिवर्तन कर सकते हैं, तो इनके एक एक करके हम नियमों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंतिम आ को ए कर दिया जाता है, यानी अंत में आ होता है, आ की मात्रा आती है तो उसको ए कर दिया जाता है, ए की मात्रा में बदल दिया जाता है। कैसे, जैसे ताला, अब ताला में आखिरी शब्द में आ की मात्रा है तो यहाँ पे ए की मात्रा लगाएंगे, ताले। लड़का, लड़का में भी आ की मात्रा है तो ए की मात्रा लगाएंगे यानी कि लड़के। घोड़ा घोड़े, बेटा बेटे, कमरा कमरे, छाता छाते, तोता तोते, रुपया रुपए। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें आ की मात्रा को हटा के ए लगाया जाता है, इस तरह से ये बहुवचन बनते हैं। अब दूसरा नियम हम देखेंगे, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में एंश जोड़ दिया जाता है। जैसे अ, यानी कि यहाँ पे लास्ट में शब्द के अंत में अ है तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, बड़ी की मात्रा, बड़े ए की मात्रा। जैसे रात, रात में शब्द के अंत में क्या है, अ अ आ रहा है तो रात, तो इसमें बड़ी ए की मात्रा जोड़ेंगे। जैसे रातें, बहन, बहन में भी आखिरी में अ है यानी कि शब्द के अंत में अ आ रहा है तो बहन, तो इसका क्या होगा, बहने। किताब, किताबें, भैंस भैंसे, दीवार दीवारें, आँख आँखी, सड़क सड़कें, बात बातें। तो इसमें हमने देखा कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में लास्ट में अ आने पर इसमें बड़े ए की मात्रा में जोड़ दिया जाता है, यानी कि बड़े ए की मात्रा लगा दी जाती है। अब हम तीसरा नियम देखेंगे, जैसे ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत में बड़ी ई को ई करके या जो याक जोड़ दिया जाता है। जैसे, यानी इसमें शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा है तो उसको, बड़ी ई की मात्रा को या तो ई हो जाएगा या फिर या में जोड़ दिया जाता है। जैसे सखी, अब सखी में क्या है, बड़ी ई की मात्रा है तो इसमें छोटी की मात्रा बदलकर, ख में छोटी की मात्रा बदलकर या जोड़ दिया जाता है यानी सखियाँ। खिड़की, खिड़की में की में छोटी की मात्रा लगाकर या जोड़ दिया जाता है। जैसे खिड़कियाँ,
इसी तरह से मछली मछलियाँ, चींटी चींटियाँ, डाली डालियाँ, कली कलियाँ, यानी इसमें छोटी ई की लास्ट में छोटी ई में बदलकर लास्ट में या जोड़ दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इया अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंतिम या को या कर दिया जाता है। कैसे? जैसे पुड़िया, अब पुड़िया में हमें या जोड़ना है, पुड़िया, चूहिया चूहिया, बुढ़िया बुढ़िया, चिड़िया चिड़िया, डिब्बियाँ डिब्बियाँ, गुड़िया गुड़िया, तो इसमें हमने या जोड़ दिया। आगे नियम देखते हैं हम। उकारांत शब्द, यानी उकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए जोड़ने से बहुवचन बनता है। जैसे यानी जिसके शब्द के अंत में ऊ आ रहा है, छोटा ऊ आ रहा है, तो उसको हम लास्ट में ए जोड़ दिया जाता है। जैसे वस्तु, वस्तु में ऊ की मात्रा है यानी ऊ आ रहा है इसमें, तो इसमें जोड़ेंगे ए, वस्तुएं, धेनु धेनुएं, ऋतु ऋतुएं। ठीक है, अब देखते हैं उकारांत शब्द, यानी बड़े ऊ की जिसमें मात्रा आती है, तो उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ऊ का ऊ करके ए लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे वधु, तो वधु में बड़ी ऊ की मात्रा है, तो इसमें बहुवचन हम कैसे बनाएंगे? ऊ बड़ी की बड़ी ऊ की मात्रा को छोटे ऊ की मात्रा में बदल कर ए जोड़ देंगे लास्ट में, यानी वधुएं। जू, जू में बड़ी ई की मात्रा है, तो इसको छोटी ऊ में बदल कर ए जोड़ दिया, जैसे जुएं। अब ओकारांत शब्द, ओकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए लगाकर के बहुवचन बनाया जाता है, यानी जिसके अंत में ओ की मात्रा आ रही है औ की, तो इसमें ए जोड़ देंगे, जैसे गो। गो यानी क्या होती है? गाय। तो गो है, तो गो का बहुवचन क्या होगा? गोएं। ये हमारा बहुवचन का कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट किया। तो आपको ये बहुवचन और बहुवचन की भेद, बहुवचन के नियमों के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।